हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिकॉर्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 की। आपका एग्जाम कब तक होगा या नहीं होगा, या प्रमोट होंगे या सीधे आपका एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर है सभी स्टूडेंटों के लिए, और बीएड के एग्जाम फॉरम की अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ बात करेंगे एग्जाम के बारे में। तो देखते हैं, आइए जो खबर आई है उसके बारे में। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बीएड के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की साइट चालू कराने की मांग हो चुकी है। जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे, जो बीएड के रह गए थे, उन्हें मांग की है साइट चालू करने की, यानी कि उनके एग्जाम फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं, वो अप्लाई करेंगे उसकी मांग की है। सिकॉट विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए 100 रुपये विलंबन शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल थी, किंतु कोरोना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल को जारी नई गाइडलाइंस के अनुकरण में आवेदन पत्र भरने के लिए विश्वविद्यालय की साइट को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया था। अब तक बंद है। अंतिम तिथि से पहले वेबसाइट बंद होने से कई विद्यार्थी आवेदन भरने से वंचित रह गए थे। अब विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों से आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए पत्र प्रसिद्ध किया है, और कॉलेज अपने विद्यार्थियों को कॉल करके आवेदन पत्र जमा कराने के लिए कह रहे हैं। बीएड कह रहे एक छात्रा ने बताया कि 22 अप्रैल को अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए ई मित्र पर गई थी, किंतु उस दिन साइट नहीं चल रही थी। अगले ही दिन कोविड-19 के कारण साइट बंद कर दी गई है, इस कारण आवेदन पत्र नहीं भरा गया। उसके लगातार ई मित्रों पर जा रही हूँ, किंतु अभी तक साइट चालू नहीं हुआ है इनकी। अब कॉलेज वाले फॉर्म जमा करने के लिए कह रहे हैं। सिकॉट विश्वविद्यालय सिकरी अपनी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म पत्र भरने की साइट चालू करे, जिससे परीक्षा आवेदन पत्र भरकर संबंधित कॉलेजों में जमा करवा सके। यानी कि जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म अप्लाई नहीं किया बीएड के लिए, वो अभी तक एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन नहीं स्टार्ट हुए हैं, और ये जल्दी से जल्दी ऑनलाइन स्टार्ट होने की मांग की है, तो स्टार्ट होंगे जल्दी जल्दी। और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे यूजी चाहे पीजी बीएड, उन्हीं के जो एग्जाम फॉर्म है, यानी कि उनके पास हैं, वो अपनी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करा सकते हैं, या आप अपनी कॉलेज में जमा करा सकते हैं, या डायरेक्ट आप सिकॉट विश्वविद्यालय में भी जमा करा सकते हैं। बट और जिन्होंने की एग्जाम की बात करें, तो आज के जो पिछला वीडियो आपने देखा नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। उसके अंदर दे रखा है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा। यानी कि वैक्सीन लगा दो और हम जुलाई में एग्जाम ले सकते हैं। यानी कि जुलाई में आपके पास जून महीना एक मंथ बचा हुआ है। यदि वैक्सीन जून के अंदर संभव है तो जुलाई में एग्जाम होगा, परंतु वैक्सीन लगना बिल्कुल भी संभव नहीं है 18 प्लस के 1 या 2 मंथ के अंदर, कभी बिल्कुल संभव नहीं है, वो भी राजस्थान के अंदर। विशेषकर राजस्थान के अंदर वैक्सीन लगना संभव नहीं है, इसलिए एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक किसी के भी 18 प्लस की वैक्सीन नहीं लगी है। जो भी लगी है बहुत कम स्टूडेंटों के लगी है। और बात करेंगे जो आपके जो 10 तारीख 10 जून को फैसला आने वाला है, इसका कॉलेज एग्जाम को लेकर 10 जून को इसका फैसला आएगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, जो भी प्रमोट होंगे। खासकर 99% चांस है कि प्रमोट ही होंगे, यूजी पीजी सभी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब राजस्थान बोर्ड ने प्रमोट का फैसला सुनाया है 10वीं 12वीं के एग्जाम को लेकर, इनके बोर्ड के एग्जाम रद्द हो सकते हैं, तो कॉलेज के एग्जाम रद्द होना बिल्कुल तय है। तो आप ध्यान रखिए, 10 जून को आपके साथ मैं लाइव रहूँगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो भी है। और जो उन्होंने एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया था उसका हार्ड कॉपी आप जमा करा सकते हैं, यह आपके लिए बिग अपडेट है। तो ये थी आपके लिए जो मेन अपडेट आपको मैंने बता दी है। तो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या सनवाल एजुटेक के नाम से है, सनवाल एजुटेक यानी कि जो यूट्यूब चैनल का नेम है उसी के नाम से बना रखा है मैंने, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।